बॉनी एलिजाबेथ पार्कर और क्लाइड चेस्टनट अमेरिका के दो ऐसे खतरनाक लुटेरे हैं जिनकी स्टोरी एक ऐसी लव स्टोरी है जिसमें एक्शन और इमोशन दोनों हैं। जब अमेरिका में महामंदी आई थी तो बॉनी और क्लाइड एक दूसरे के जीवन साथी बन गए थे। एक दूसरे का साथ पाने के बाद इन दोनों ने जो तबाही मचाई थी उसे देख अमेरिका की पुलिस भी हैरान और परेशान हो गई थी। इस खूंखार जोड़े की प्रेम कहानी पर कई हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। ऐसा ही एक भारतीय जोड़ा आजकल मीडिया में छाया हुआ है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 में संतोष गार्डन नाम का एक बैंक्वेट हॉल है जहां पर 12 मार्च 2024 को एक ऐसी स्पेशल शादी होने जा रही है जिसमें पुलिस का सख्त पहरा होगा और कई राज्यों की पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नजर रहेगी। ये शादी ना तो किसी बड़े बिजनेसमैन की है और ना ही किसी बड़े नेता या उनके किसी रिश्तेदार की। ये शादी होने जा रही है दो गैंगस्टरों की। इस शादी में दुल्हा भी गैंगस्टर है और दुल्हन भी। दुल्हन की अगर बात करें तो वो है राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी, जिसे क्राइम की दुनिया में मैडम मिंच के नाम से भी जाना जाता है। अनुराधा अभी जमानत पर जेल से बाहर है और सोनीपत के गांव जठेड़ी में रह रही है। साल 2023 में अनुराधा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब उसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है, अब वो सिर्फ एक हाउसवाइफ है और अपना घर संभाल रही है। अनुराधा ने अपनी बात क्लियर करते हुए कहा था कि अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी रही है और आगे भी ऐसे ही जीना चाहती है। अनुराधा जिसकी दुल्हन बनने जा रही है वो भी एक खतरनाक गैंगस्टर है और फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। इन लोगों ने अपनी शादी का हवाला देकर कोर्ट से पैरोल मांगी थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इस शादी के लिए कोर्ट ने 12 मार्च 2024 को दिल्ली में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कस्टडी पैरोल दी है। इन 6 घंटों में ये शादी कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद उस गैंगस्टर को पुलिस वापस जेल में ले जाएगी। फिर अगले दिन यानी 13 मार्च को भी सोनीपत में गृह प्रवेश के लिए 3 घंटे की कस्टडी पैरोल दी गई है। इन 3 घंटों में ही उन्हें सारे रीति रिवाज पूरे करने होंगे। इस दौरान वहां पर पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। कहा जा रहा है कि वैसे तो ये दोनों पहले ही शादी कर चुके हैं और अनुराधा अपनी ससुराल में एक बहू के तौर पर रहती है, लेकिन अब ये इस शादी को सामाजिक रूप देना चाहते हैं। अनुराधा जिस गैंगस्टर के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही है, अनुराधा का वो दूल्हा है गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दया है। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। काला जठेड़ी का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में साल 2021 में आया था, जब 2021 के मई महीने में सागर धनखड़ नाम के पहलवान की हत्या हुई थी। सागर की हत्या के आरोपी पहलवान सुशील कुमार ने काला जठेड़ी से अपनी जान को खतरा बताया था, क्योंकि जब उसने सागर की पिटाई की थी तो सागर के साथ काला जठेड़ी का भांजा सोनू महाल भी था। साल 1984 में हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव जठेड़ी में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम संदीप रखा गया। संदीप जब कुछ बड़ा हुआ तो स्कूली पढ़ाई के बाद सोनीपत की आईटीआई से सर्टिफिकेट कोर्स करना शुरू कर दिया। इसी दौरान दिल्ली और हरियाणा पुलिस में भर्ती होने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। 19 साल का होते होते संदीप कुछ काम धंधा करने के इरादे से दिल्ली आकर रहने लगा। अब उसका खर्चा इतना बढ़ गया था कि घर वालों से पैसे मांगने के बावजूद उसका खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था।
इस दौरान उसकी दोस्ती कुछ ऐसे बदमाशों से हो गई जो झपट मारी और लूट खसोट करते थे। उसी टाइम पर स्मार्टफोन भारत में नया नया आया था। साल 2004 की बात है, दिल्ली के सिरसपुर इलाके में संदीप अपने साथियों के साथ एक आदमी का मोबाइल छीन कर भाग रहा था, लेकिन वो रंगे हाथ पकड़ा गया। दिल्ली के समयपुर बादली थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले में छोटी सी सजा काटने के बाद जब वो जेल से बाहर आया तो वापस अपने गांव चला गया और वहीं पर केबल का काम करने लगा। लेकिन संदीप की किस्मत में शायद शराफत की जिंदगी नहीं थी। साल 2006 में वो अपने ही गांव के कुछ लोगों के साथ दिल्ली के डाबड़ी इलाके में आया। यहाँ किसी आदमी के साथ उनका कुछ विवाद चल रहा था। उन लोगों ने उस आदमी को, जिसके साथ झगड़ा चल रहा था, उसे पीट पीट कर मार डाला। इस मामले में उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल में उसकी दोस्ती हो गई अनिल रोहिल्ला उर्फ लीला से। अनिल रोहिल्ला ने संदीप को बताया कि उसके गांव में एक परिवार से उनकी दुश्मनी चल रही है। उस परिवार में 7 भाई हैं और उन लोगों ने अनिल के पिता को मार दिया। वो अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता है। संदीप ने अनिल से वादा किया कि उसके पिता की हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा और संदीप ने अपना ये वादा निभाया भी। जब वो जेल से बाहर आया तो उसने अनिल रोहिल्ला के दुश्मन परिवार में से 5 भाइयों समेत 8 लोगों को मार डाला। यही वो टाइम था जब संदीप क्राइम की दुनिया में गैंगस्टर काला जठेड़ी के नाम से फेमस हो गया। इसके बाद काला जठेड़ी ने मुड़कर नहीं देखा और क्राइम के रास्ते पर बढ़ता चला गया। इसके बाद हरियाणा के गोहाना और सांपला में हुई कुछ हत्याओं में भी उसका नाम आया। साल 2012 में काला जठेड़ी पुलिस से ही टकराने का दुस्साहस कर बैठा। हरियाणा के झज्जर जिले में दुलीना गांव के पास एक जेल वैन को उसने ट्रक से टक्कर मार दी। उसका इरादा था उस गाड़ी में ले जा रहे कैदियों को मारना। इस वारदात में उसने 3 कैदियों की गोली मार कर हत्या कर दी थी, जिसमें 2 पुलिस वाले भी घायल हो गए थे। इस मामले में काला जठेड़ी का नाम हरियाणा के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में शामिल हो गया। जल्दी ही हरियाणा पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कर लिया। उसे इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। काला जठेड़ी तो जेल में चला गया था, लेकिन अब भी उसके नाम से बड़े बड़े क्राइम हो रहे थे जो उसके गैंग से जुड़े लोग कर रहे थे। जेल में रहने के दौरान काला जठेड़ी की दोस्ती लॉरेंस बिश्नोई से हो गई। इसके बाद काला जठेड़ी बिश्नोई के गैंग का काम देखने लगा। काला किसी तरह जेल से बाहर निकलने का प्लान बना रहा था और जल्दी ही उसका ये प्लान सक्सेस भी हो गया। 2 फरवरी 2020 को गुड़गांव पुलिस काला जठेड़ी को फरीदाबाद कोर्ट में पेशी के लिए लेकर गई थी। पेशी के बाद जब उसे वापस जेल में ले जाया जा रहा था तो गुड़गांव रोड पर कुछ बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को घेर कर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी और कुछ ही देर में काला जठेड़ी समेत सारे बदमाश भाग गए। दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया और मकोका भी लगा दिया। वहीं हरियाणा पुलिस ने काला जठेड़ी की गिरफ्तारी पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस काला जठेड़ी को ढूंढने के लिए हर तरह से हाथ पैर मार रही थी, लेकिन पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। उधर राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल का पुलिस ने साल 2017 में एनकाउंटर कर दिया था, जिसकी वजह से उसके साथ काम करने वाली लेडी गैंगस्टर अनुराधा चौधरी अकेली पड़ गई। इस दौरान पुलिस को खबर मिली कि अनुराधा चौधरी भी काला जठेड़ी के साथ है। इन दोनों ने पुलिस को मिसगाइड करने के लिए अपने गुर्गों से ये अफवाह भी फैलवाई कि काला जठेड़ी बैंकों को भाग गया, ताकि पुलिस इन तक
ना पहुंच पाए, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लग चुकी थी जिसमें पता चला कि ये दोनों भारत में ही हैं और पति पत्नी बनकर साथ में रहते हैं। अब पुलिस ने इन लोगों को दबोचने का प्लान बनाया और इस प्लान को अंजाम देने के लिए पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को अपने जाल में फंसाया, जिसमें वो आसानी से फंस भी गया। स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने बिश्नोई को रिमांड पर लिया और बिश्नोई से काला के बारे में सख्त पूछताछ की, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। इसके बाद स्पेशल सेल ने एक चाल चली, अपने मुखबिरों के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के पास जेल में एक मोबाइल पहुंचाया। पुलिस को उम्मीद थी कि अगर बिश्नोई को मोबाइल मिल गया तो वो काला या अनुराधा से जरूर कांटेक्ट करेगा। पुलिस को अपना प्लान सक्सेस होता नजर आया। बिश्नोई ने अनुराधा और काला जठेड़ी से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अनुराधा की लोकेशन पुलिस के हाथ लगी। पुलिस को पता चला कि अनुराधा गोवा में है। पुलिस ने इनको दबोचने का ऑपरेशन शुरू किया और इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन D24। इसका मतलब था क्रिमिनल पुलिस से 24 घंटे आगे। इस ऑपरेशन को सक्सेस बनाने के लिए 12 राज्यों की पुलिस को अलर्ट किया गया और 30 पुलिस वालों को इस प्लान में शामिल किया गया। पुलिस की एक टीम अनुराधा की लोकेशन कंफर्म करने के लिए गोवा भेजी गई। वहां पर अनुराधा तो नहीं मिली, लेकिन हरियाणा नंबर प्लेट की दो ऐसी गाड़ियां मिली जिन पर पुलिस को कुछ डाउट हुआ। फिर क्या था, पुलिस टीम ने उन गाड़ियों का पीछा करना शुरू कर दिया। उधर जब लॉरेंस बिश्नोई के नए मोबाइल कॉल के बेस पर लोकेशन चेक की गई तो लोकेशन चेंज हो चुकी थी। पुलिस अब समझ चुकी थी कि ये लोग लगातार ट्रेवल कर रहे हैं। पुलिस को जैसे ही कोई लोकेशन मिलती उसी हिसाब से उनका पीछा किया जाता। पीछा करने के इसी सिलसिले में पुलिस टीम को तिरुपति से एक CCTV फुटेज मिली। उसमें अनुराधा चौधरी को काला जठेरी गैंग के लोगों के साथ देखा गया। इनका पीछा करते करते पुलिस को इनपुट मिला कि अनुराधा और काला एक SUV से ट्रेवल करते हुए पंजाब जाने की कोशिश में है। इसके बाद 30 जुलाई 2021 को पुलिस को जो लोकेशन मिली वो थी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर यमुना नगर हाईवे सरसावा टोल प्लाजा की। पुलिस टीम उस टाइम इनके आसपास पहुंच चुकी थी। जब पुलिस ने वहां पर इनको ढूंढने की कोशिश की तो एक अमानत नाम के ढाबे पर एक सरदार और एक औरत खाना खा रहे थे। पुलिस को उन पर कुछ डाउट हुआ तो पुलिस टीम ने उन दोनों को वहीं पर दबोच लिया। सरदार के वेश में गैंगस्टर काला जठेड़ी ही था और जो औरत साथ में थी वो अनुराधा चौधरी थी। दोनों को अरेस्ट कर दिल्ली लाया गया। पुलिस को इन दोनों अपराधियों को पकड़ने के लिए लगभग 10,000 किलोमीटर का ट्रेवल करना पड़ा था। इतने दिन साथ रहने के दौरान काला और अनुराधा एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। कहा यह भी जाता है कि दोनों शादी भी कर चुके थे। दोनों को जेल भेज दिया गया। काला जठेरी पर मकोका लगाया गया है जिसमें आसानी से जमानत भी नहीं मिल पाती, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब अनुराधा चौधरी को जमानत मिल गई। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद अनुराधा सीधे सोनीपत के जठेरी गांव संदीप और काला के घर जा पहुंची और एक बहू की हैसियत से संदीप के बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हुए उसी घर में रहने लगी। वर्तमान में भी अनुराधा वहीं पर रहती है, बिल्कुल एक बहू की तरह, लेकिन कानूनी और सामाजिक रूप से बहू बनने के लिए जरूरी था कि दोनों समाज की नजर में भी शादी कर ले। इसलिए दोनों ने कोर्ट में शादी करने की अर्जी डाल दी जो मंजूर हो चुकी है। 12 मार्च 2024 को दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे।
इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।